हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। और आई होप आप लोग सारे के सारे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया आप फील कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने आया हूं यहां पर आपको बताने के लिए कि क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर जब आप आ गए हो। अब अगर आप इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जहां पर आप नहीं क्लियर कर पाए हो इस बार आप नहीं क्लियर कर पाए हो एग्जाम, तो इसको कैसे ठीक करना है नेक्स्ट टाइम अराउंड, इस चीज पर आज हमारा डिस्कशन होगा। क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी फॉर द रिमेनिंग पीरियड जो बाकी है एग्जाम्स के लिए। सर, सबसे पहले सर कितना पीरियड बाकी है एग्जाम्स के लिए उसको देख लेते हैं। सो अगर आप देखोगे तो आपका जो रिमेनिंग पीरियड बाकी है, ठीक है, एग्जाम के लिए, आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आज हो गई है आपकी भैया 6th of Feb, ठीक है, 6th Feb। अब आपका अगर नहीं क्लियर हुआ था, जो भी आपके अंदर वो गुस्सा या सैडनेस थी वो सब अब एक्सप्रेस करने का टाइम खत्म हो चुका है, पूरी तरह से काफी टाइम बीत चुका है। इट इज ऑलरेडी द 6th of Feb टुडे। तो अब क्या करना है सर, अब आपको काम करना है, अब आपको उस चीज के ऊपर काम करना है, उसको अपने से दूर करना है। तो 6th of Feb से ये कब तक के लिए एप्लीकेबल होगी, ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करने जा रहे हैं लॉ के लिए, 6th of Feb से ये एप्लीकेबल होगी आपकी, लेट्स से 1st of June तक, ठीक है। वैसे तो आपके एग्जाम 23rd June को है, पर लेट्स से मैं 20th June ही लेता हूं, तो कितना पीरियड बच गया आपके पास। अभी फरवरी में वैलेंटाइंस डे भी आएगा, पता हमको, ठीक है, तो उसका भी आपको हिसाब रखना पड़ेगा। तो 22 डेज फेब में, ठीक है, 22 डेज फेब में, फेब के बाद मार्च 31st, अप्रैल 30th, मई 31st और जून 20, कितने दिन हो गए भैया, 60 90 92 92 to 94 94 और 114 114 और 1134, 134 डेज आपके पास अभी भी हैं। अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लॉ के पेपर के लिए। सर, एवरी डे आपको एटलीस्ट देना है 1 आवर, क्या चीज के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। सर, ये जो आंसर राइटिंग है ना, यही डिफरेंस क्रिएट कर देती है बिटवीन पास एंड फेल। ये जो आंसर राइटिंग है ना, यही मेन डिफरेंस क्रिएट कर देती है बिटवीन पास एंड फेल। जो बच्चा पास होता है और जो बच्चा फेल होता है, उसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएशन होता है वो बस ये आंसर राइटिंग ही करती है। तो इस आंसर राइटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए। आप देखिए बात क्या है, अगर कोई बच्चा लॉ में अपने नंबर बढ़ाना चाहता है, जो रिपीटर है, उससे ज्यादातर जहां तक मेरे को लगता है एक ही गलती हुई होगी, वो है प्रेजेंटेशन की। अगर वो पेपर पे कम नंबर लेके आया है तो, कि वो आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पाया। ऐसे केस में इस बच्चे को क्या करना चाहिए, इसको भैया डेली एवरी डे एटलीस्ट 2 to 4 आंसर्स लिखने चाहिए। सर, ये 2 to 4 आंसर्स अकेले लिखेंगे, साथ मैं तुम्हारा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम सीए नहीं बन जाते। आप सीएसजी फैमिली का पार्ट है, ठीक है, फैमिली में कोई किसी का साथ कभी नहीं छोड़ता। फैमिली वाले लोग भले ही 2-3 दिन तक बात ना करें या 1-1.5 महीने एक दूसरे से बात ना करें, बट वो रहते हमेशा साथ हैं, कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तो मैं, क्योंकि आप मेरी फैमिली का पार्ट है, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आप ये आंसर राइटिंग अकेले नहीं करेंगे, एकदम अकेले नहीं करनी आपको, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ। मैं आपको डेली आंसर राइटिंग सेशन प्रॉमिस करता हूं अन अकेडमी की स्पेशल क्लास के ऊपर, एवरी डे मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, एवरी डे, ठीक है, एवरी डे एट 2:15 PM आपका सेशन होगा एवरी डे आंसर राइटिंग का। केस स्टडी, नॉर्मल आंसर राइटिंग, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग केस स्टडी, शॉर्ट केस स्टडी, सब करेंगे, ठीक है, सब मैं कराऊंगा। आपको किसी चीज की टेंशन लेने की दरकार नहीं, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, किसी चीज की टेंशन लेने की दरकार नहीं। नेक्स्ट, इसके बाद कोई एक ऐसा बच्चा होगा, अब देखो
जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों के लिए दो ऑप्शन है। एक, अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर नहीं है, इन द सेंस आप ऐसे वाली कैटेगरी में हो कि पहले आपने कुछ कुछ एक्ट छोड़ दिए, जैसे कुछ बच्चा होता है ना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं, तो अगर आपने कुछ एक्ट लीव कर दिए थे पास्ट में, या कुछ कंटेंट कुछ एक्ट्स का लीव कर दिया था, अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो, तो भैया अन अकेडमी पर हम लोग लेके आ रहे हैं अपना, भैया मैं रिपीटर वर्ड यूज नहीं करूंगा, ठीक है, एक ऐसा बैच जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस बार फाउंडेशन को मिस कर दिया। मैं रिपीटर वर्ड यूज नहीं करूंगा, आप रिपीटर है नहीं, आपकी बस सक्सेस थोड़ी सी डिले हो गई है, जिन्होंने इस बार मिस कर दिया है पास होने को, बस छोटा सा मिस हो गया। बेटा हम लोग कभी भूल जाए वाला गेम खेलते हैं, हल्का सा मिस हो जाता है ना, तो उसमें आपको रिपीटर थोड़ी ना बोलते हैं, फेलियर थोड़ी ना बोलते हैं, आप बस मिस किए। तो ये जो आपने मिस किया है, इसके लिए हम लोग एक डिटेल्ड बैच ला रहे हैं 10th of Feb से, जिसको नाम दिया जा रहा है फास्ट ट्रैक। लेकिन भैया मैं उसमें सारा का सारा चीज क्लियर करूंगा, तो अगर आप वैसे कैटेगरी में हो, तो आप जिसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ कुछ चीजें मिस की गई हैं, या आपने जब पेपर में पेपर को देखा तो आपकी पेपर को देखते ही सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, तो ये उन लोगों के लिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, सर हम लोग महीना भर से रिजल्ट का वेट कर रहे थे, ठीक है, हमें लगता था कि हम तो पास हो जाएंगे, या हमें पता था कि हम फेल हो जाएंगे, लेकिन पढ़ नहीं रहे थे हम लोग, तो आप हो भैया आउट ऑफ टच, आउट ऑफ साइट मींस आउट ऑफ माइंड, तो आप हो भैया आउट ऑफ टच। तो ये जो हमारे बिरादरी वाले बच्चे हैं जो आउट ऑफ टच हैं, इनको क्या करना है, ठीक है, इनको भैया मेरी जो रिविजनरी सीरीज होगी, जो रिविजनरी सीरीज होगी, रिविजनरी सीरीज जो मैं लूंगा MWF इस YouTube चैनल पर, ठीक है, एवरी MWF, और मतलब इसका टाइमिंग होगा 9 से 9:30, ठीक है, और साथ ही साथ जो मैं क्लासेस लूंगा TTS रात को 11:30 बजे लेट नाइट, ये दोनों करनी है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए या रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को, रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कोई बच्चा पूछेगा, सर तो मतलब इसका क्या है, फास्ट ट्रैक में आप पूरा नहीं करिएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। या आप यूट्यूब पे पूरा नहीं पढ़ाइएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्क यह है, जो बच्चे के पास बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है ना, उसके दिमाग में आते हैं डाउट्स, उसके दिमाग में आते हैं भयंकर वाले डाउट्स, और ये डाउट्स मैं कैसे सॉल्व करूंगा यूट्यूब पे, आप सोचो। क्योंकि बच्चा बहुत बार क्या होता है ना, डाउट सोचता है लेकिन डाउट फ्रेम नहीं कर पाता, तो ऐसे के लिए अनअकैडमी के पास RAH रेज अ हैंड फीचर है। अब रेज अ हैंड में यूट्यूब पे थोड़ी ना करा सकता, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट वाली चीज, ठीक है। तो डी कॉन्सेप्ट जिनका है वो सीधे आंसर राइटिंग पे आ जाए, स्पेशल क्लासेस शुरू कर दे, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, पूरा पूरी, वो स्पेशल क्लासेस शुरू करें आंसर राइटिंग की 250, और जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो यूट्यूब पर रिविजनरी सेशंस मेरे देखना एकदम शुरू कर दें। मंडे वेनेसडे फ्राइडे YT पे 9 बजे, और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11:30 बजे रात को, एकदम दबा के देखना है। और ये जो अनअकैडमी का है, और अगर आपका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं है, कुछ कुछ एक्ट्स आपने छोड़े हुए हैं, तो फिर भैया आप फास्ट ट्रैक में आ जाइए, 10th of Feb से फास्ट ट्रैक चालू हो रहा है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एवरी डे, ठीक है, अब देख लो मैंने एवरी ऑल्टरनेट डे नहीं बोला, एवरी डे देर हैज टू बी आंसर राइटिंग ऑफ 1 आवर, ठीक है, एवरी डे। अब आपको मैं बताता हूं एक चीज, समझिए, दूसरा स्लाइड लेता हूं। अगर 134 डेज है, चलो अब इसमें से नॉर्मल लॉस हटा दो, 10% इज नॉर्मल लॉस NL, जहां आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, वो होता है सबके साथ होता है, वो बड़ा बात नहीं, तो भी 120 दिन बचता है, होली होली भी आ रही है भैया बीच में, कब है होली, होली कब है, तो होली भी आ रही है बीच में, तो होली होली का भैया खाता हटा देते हैं, तो 120 दिन है आपके पास। आप सोचो अगर आपने 120 दिन में हर दिन 3 आंसर लिखे हैं, क्योंकि मैं 1 घंटा की क्लास में 3 आंसर्स तो करा ही दूंगा, आप घर में वापस से वो 3 आंसर्स लिखेंगे, सेम आंसर्स, हाँ सेम लिखने, मेरे लिखने से कुछ नहीं होता, आपके उससे होता, तो आपके टोटल कितने आंसर हो गए एग्जाम के पहले,
360 आंसर्स, 360 आंसर हो गए आपके एग्जाम के पहले। आप समझ रहे हो ये कितना बड़ा नंबर होता है? और क्यों मैं बोल रहा हूं इतना बड़ा नंबर होता है, क्योंकि सीए के कोर्सेज में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बेटा, तो ये बहुत सिग्निफिकेंटली बड़ा नंबर है। और ये नंबर रहा ना तो फोड़ देंगे भाई अगली बार। अगली बार जैसे इन बच्चों का 73-75 आया ना, आप में से किसी का आएगा 80-85, हम लोग लेके आएंगे साथ में, मेहनत करेंगे, आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर राइटिंग का, सॉरी ये हो गया आपका आंसर राइटिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा। अब इसके अलावा साथ में एक घंटा जैसे आप रोज आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो एवरी ऑल्टरनेट डे, ठीक है, ऑल्टरनेट डे, ठीक है, एवरी ऑल्टरनेट डे आप कोई भी एक यूनिट ऑफ एनी एक्ट का माइंड मैप बनाने की कोशिश करिए। मतलब क्या है, सेक्शंस का एक फ्लो है ना, जैसे एलएलपी का पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 2, सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ऐसे बस आप एक माइंड मैप बनाइए, रफ पेपर ले लीजिए, रफ पेपर में देखिए क्या आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो सेक्शन 9, 10, 11, 12 क्या है, ऐसे करके। ये माइंड मैप जो आप घंटा भर बनाओगे ना, ठीक है, अब इसको जरूरी नहीं है कि आप पेपर पे बैठ के बनाओ, माइंड में भी कर सकते हो, पर हम चाहेंगे कि आप पेपर पे करो। ये जो आप 1 आवर करोगे ना एवरी ऑल्टरनेट डे, तो आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते रहेंगे, प्लस आपको कॉन्सेप्ट, मतलब क्या बोलते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि सही में आपको कंटेंट आता है। ठीक है, तो ये होनी चाहिए आपकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी अगर आप, ठीक है, अगर आप मिसर हैं और आपको हिटर बनना है, तो इन दोनों के बीच में जो ये गैप है इसको फुलफिल सिर्फ और सिर्फ एक चीज करेगी, और वो है आपके ये 120 दिन की प्रैक्टिस। और ये 120 दिन तुमसे तुम्हारा खुदा भी नहीं छीन सकता। तो आज ऐसे खेलो, ऐसे प्रैक्टिस करो कि 120 दिन में तुम क्वेश्चन करके आग लगा दो। ठीक है, ये भी था ना डायलॉग। तो चलो बस इसी के साथ गुप्ता जी साइन ऑफ करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेंट अब यही आने वाला है भाई, गुप्ता जी अब यही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर जो जो कंटेंट, कुछ स्पेशल कंटेंट चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करना। भाई तुम कमेंट नहीं करते हो यार, कमेंट करो, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।